माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बच्चों के द्वारा आए हुए डाउट्स पर डिस्कस करेंगे। एक डाउट आया है आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन का और दो डाउट आया है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उन डाउट्स के साथ। पहला डाउट है, इंटीग्रेट करना है हमको मॉड लॉग एक्स फंक्शन। लॉग एक्स फंक्शन मॉड में है और प्लस वन इंटीग्रेट करना है। लोअर लिमिट दिया है 1/e और अपर लिमिट दिया है e, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ दो फंक्शन, एक लॉग एक्स फंक्शन मॉडुलस के अंदर में है और एक वन है, वन एक एलजेब्रिक फंक्शन वन इंटू डी एक्स। तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। पहला इंटीग्रेशन हो गया 1/e 2e मॉड लॉग एक्स फंक्शन डी एक्स और दूसरा हो गया 1 इंटू dx का dx इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट 1/e टू अपर लिमिट e। यहाँ कुछ बेसिक जानकारियां हैं, उसको ध्यान रखिए। लॉग 1/e टू दी बेस e का वैल्यू क्या होगा? 1/e को आप लिख सकते हैं e का पावर माइनस वन टू दी बेस e। ये पावर माइनस वन आगे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो माइनस वन इंटू लॉग ई टू दी बेस ई। लॉग ई टू दी बेस ई का वैल्यू होता है वन, वन मल्टीप्लाई हो गया माइनस वन में तो इसका वैल्यू होगा माइनस वन, अर्थात लॉग वन बाई लिया जाएगा तो उसका वैल्यू आएगा निगेटिव माइनस वन मिलेगा। हम लोग जानते हैं लॉग वन टू दी बेस ई का वैल्यू जीरो होगा और लॉग ई टू दी बेस ई जिसको कि हम लोग यूज किए हैं का वैल्यू वन होगा। इन बेसिक जानकारियों की जरूरत पड़ेगी आपको, क्यों? क्योंकि अब हमको देखना होगा 1/e to the e जो इंटीग्रेशन दिया गया है लोअर लिमिट लॉग एक्स के लिए और ये लॉग एक्स मॉडुलस फंक्शन के अंदर में है। 1/e to e में यदि हम लोग एक्स के जगह पर लॉग एक्स के जगह पर 1/e रखते हैं तो लॉग 1/e का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं माइनस वन आता है, अर्थात ये मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो निगेटिव आता है और मॉड के अंदर में निगेटिव वैल्यू है और हम लोग जानते हैं मॉडुलस फंक्शन हमेशा हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसको मॉड फंक्शन से हटाएंगे तो उसमें हमको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, कब? यदि हमारा एक्स का वैल्यू 1/e लेंगे तब, और जब हम लोग 1 लेंगे तो उसमें वैल्यू आएगा 0, अर्थात 1/e से लेकर 1 तक। यदि एक्स का वैल्यू 1/e से लेकर 1 तक होगा तो लॉग एक्स उस समय या तो निगेटिव आएगा और नहीं तो इज इक्वल टू 0 आएगा। तो वैसे केस मॉड के अंदर में जो फंक्शन है वो निगेटिव रह रहा है और मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव है, इसलिए हमको मॉड को हटाना होगा तो एक माइनस इसमें लगाना पड़ेगा और फिर हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे 1 to e करेंगे। तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं लॉग एक्स फंक्शन को 1/e to 1 और फिर 1 to 1/e। क्यों ब्रेक किए? क्योंकि यदि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e एंड लेस देन 1 रहे उस समय लॉग एक्स निगेटिव होगा। लॉग एक्स निगेटिव होगा और मॉड के अंदर में निगेटिव है, मॉडुलस एलवेज पॉजिटिव होता है, इस मॉड एक्स को हटाएंगे तो आपको एक माइनस लगाना हो, क्योंकि यहाँ लॉग एक्स निगेटिव है उसमें माइनस मल्टीप्लाई होगा तब जाके ये लॉग पॉजिटिव कहलाएगा। उसी प्रकार से जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन ई लेंगे उस समय लॉग का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि लॉग ई का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं लॉग ई टू दी बेस ई का वैल्यू 1 है और लॉग 1 का वैल्यू 0, अर्थात 0 और 1 के बीच में रहेगा लॉग एक्स का वैल्यू, और लॉग एक्स का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहने का मतलब है पॉजिटिव होगा। और जब मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है ये मॉड हटेगा तो ये लॉग एक्स एज इट इज रहेगा। और dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसमें लोअर लिमिट है 1/e अपर लिमिट है e। तो अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/e to e माइनस लॉग एक्स डी एक्स प्लस 1 टू e लॉग एक्स डी एक्स प्लस ई माइनस 1/e, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेंगे। इसमें अब हमको लॉग एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। ये लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अलग से क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है, ये सभी को आना चाहिए। लॉग एक्स फंक्शन का जब भी इंटीग्रेशन आएगा तो उसके साथ हम लोग मान के चलेंगे कि 1 हमारा ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 लॉग एक्स में मल्टीप्लाई रहता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, आपको आईलेट का फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, आई एल ए टी आई फॉर इनवर्स एल फॉर लॉग
ए फॉर एलजेब्रा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इसमें ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर वाले फंक्शन को यू मानते हैं और बाद वाले फंक्शन को भी मानते हैं। तो सबसे ऊपर लॉग फंक्शन, इसलिए लॉग एक्स फंक्शन को यू मान लिए और वन एलजेब्रिक फंक्शन इसको भी मान लिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, यू वाले फंक्शन को छोड़ देते तो लॉग एक्स को छोड़ दिए, इनटू वी वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करते तो वन डीएक्स को इंटीग्रेट कर दिए माइनस। अब जिसको आप छोड़ दिए थे, जिस फंक्शन यू को छोड़ दिए थे उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू, इसमें प्रोडक्ट लेना होगा। जो पहले से इंटीग्रेशन लाए वन डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट को एक बार और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यह फॉर्मूला कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके बारे में डिटेल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में आप मेरे पुराने वीडियो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। वन डीएक्स मतलब डीएक्स हो गया, डीएक्स इंटीग्रेशन एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स, और वन डीएक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, केवल बच गया डीएक्स, और डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि यदि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन निकाला जाए, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसका आंसर आएगा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर टू, और इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ माइनस साइन को आउट, माइनस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन लिख देते, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स लिमिट वन बाई टू ई प्लस फिर से लॉग एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स लिमिट लोअर लिमिट वन टू अपर लिमिट ई प्लस ई माइनस वन बाई ई। अब इसमें अपर लिमिट ई रखते माइनस बाहर में है, ई टाइम्स लॉग ई फिर माइनस ई माइनस, अब वन बाई ई रखे तो वन बाई ई टाइम्स लॉग एक्स की जगह पर वन बाई ई का मतलब ई का पावर माइनस वन। अब चूंकि माइनस करना है माइनस, और यहां पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस वन बाई ई, ये पहला में हम लोग रखिए प्लस, दूसरा में रखिए ई टाइम्स लॉग ई माइनस ई, और उसके बाद रखिए वन तो माइनस वन टाइम्स लॉग वन, और फिर माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, एक्स की जगह पर वन रख दिए तो ये प्लस वन, और आखिरी में है ई प्लस ई माइनस वन बाई ई। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस बाहर में है ई लॉग ई, लॉग ई ई का मतलब है लॉग ई टू दी बेस ई, इसका वैल्यू होता है वन, तो वन ई में मल्टीप्लाई हो गया ई माइनस ई, ई का पावर माइनस वन यहां मल्टीप्लाई होगा माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वन बाई ई टाइम्स लॉग ई, लॉग ई का वैल्यू वन है, इस टोटल वैल्यू हो गया वन बाई ई और फिर प्लस वन बाई ई, लॉग ई का वैल्यू वन है जिसको ई लिख सकते ई माइनस ई, और लॉग वन का वैल्यू जीरो होता है इसलिए हो गया जीरो प्लस वन प्लस ई माइनस वन बाई ई, ई माइनस ई जीरो हो गया, वन बाई प्लस वन बाई ये टू बाई हो गया, उसमें माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस टू बाई, ई माइनस ई जीरो हो गया फिर प्लस वन और प्लस ई माइनस वन बाई ई, माइनस टू बाई माइनस वन बाई दोनों को मिला दें तो हो गया माइनस थ्री बाई ई, और बच गया आपका वन प्लस ई। आप आंसर इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं या एलसीएम ले लिए तो ई इंटू ई स्क्वायर प्लस ई इंटू वन प्लस ई और माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ई, या फिर इस ई को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो आप लिख सकते हैं वन प्लस ई माइनस थ्री इंटू ई का पावर माइनस वन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव कंपटीशन के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एआई ट्रिपल ई या आई टी वगैरह के एग्जाम जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उनके क्वेश्चंस बनाएंगे, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब हम लोग बनाएंगे, कुछ डाउट्स और आए हैं एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन पर। ओके, एरिया ऑफ बॉन्डेड रीजन एक्सरसाइज 8.2 के कुछ डाउट्स आए हैं, चलिए हम लोग देखते हैं डाउट्स। एक डाउट आया क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया हुआ है एक ट्रायंगल है जिनके तीन साइड का इक्वेशन दिया गया है, एक साइड है y इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, दूसरा साइड है y इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन एंड तीसरा साइड है x इक्वल टू फोर। इन तीनों साइड का हम अपने मन से नाम ले लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ साइड, एक साइड का नाम कुछ भी ए बी बी सी एंड ए सी, ये तीनों साइड का नाम ए बी बी सी एंड ए सी आर, पहला जो दिया उसको लिख दिए, दूसरा जो लिया दिया हुआ उसको लिखे, और तीसरा जो दिया है उसको लिख लिए रिस्पेक्टिवली क्रम से। अब इनको क्या करें, बारी बारी से सॉल्व करें, वन एंड फोर, वन एंड इक्वेशन नंबर थ्री को सॉल्व करें। तो थ्री ऑलरेडी एक सॉल्यूशन के रूप में एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू फोर वन में जैसे रख देंगे तो टू इंटू फोर एट,
प्लस वन नाइन, तो वाई का वैल्यू हो गया नाइन। इसको पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, एक्स फोर और वाई नाइन, या थ्री साइन ऑर्डिनेट के रूप में लिख सकते हैं, भुज एंड कोटी के रूप में। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट, चूंकि हम लोग किसको किसको सॉल्व किए, वन एंड थ्री को, वन किसका इक्वेशन है, वन है ए बी का और थ्री है ए सी का, ए बी और ए सी को सॉल्व करेंगे तो ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, ए बी एंड ए सी के सॉल्व करने से ए वर्टेक्स निकलेगा। उसी प्रकार से इस बार टू एंड थ्री को सॉल्व करेंगे, मतलब बी सी एंड ए सी को सॉल्व करेंगे, बी सी ए सी को सॉल्व करेंगे तो सी वर्टेक्स निकल जाएगा। सी वर्टेक्स में एक्स का वैल्यू फोर दिया हुआ है और एक्स का वैल्यू फोर रख देंगे तो वाई का वैल्यू हो जाएगा फोर थ्री या ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन, तो सी वर्टेक्स हो गया फोर कॉमा थर्टीन। अब वन और टू को सॉल्व करें, वन और टू को वाई का वैल्यू टू एक्स प्लस वन है और एक बार वाई का वैल्यू थ्री एक्स प्लस वन, दोनों को इक्वेट कर दें, वन वन कैंसिल हो गया, थ्री एक्स माइनस टू एक्स आ गया एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स का वैल्यू जीरो, या तो इक्वेशन वन में रख दे या इक्वेशन नंबर टू में रख दे, एक्स जीरो रखने से वाई का वैल्यू आ गया वन। तो वन और टू को सॉल्व करेंगे, ए बी और बी सी को सॉल्व करेंगे तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया जीरो वन। अब रफली ये तीनों पॉइंट को लोकेट कर दे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को प्लॉट करें और उसके बाद इन पॉइंट्स को लोकेट कर दें। चलिए वन बाय वन, एक्स इक्वल टू फोर एंड नाइन, एक्स इक्वल टू वन टू थ्री फोर ले लिए और एक नाइन, फोर एंड नाइन ये पॉइंट हो गया। और फिर एक्स इक्वल टू फोर एंड थर्टीन, एक्स इक्वल टू फोर एंड थर्टीन, फोर यहां पर है और थर्टीन इससे ऊपर होगा, नाइन टू टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन खींच दे, ये लाइन हो गया एक्स इक्वल टू फोर का, एक्स इक्वल टू फोर का लाइन हो गया, क्योंकि यहां पर एक्स का वैल्यू फोर है, वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे नाइन है थर्टीन है, ये लाइन का इक्वेशन हो गया, अर्थात ये एसी साइड का इक्वेशन हो गया, एसी साइड का इक्वेशन हो गया एक्स इक्वल टू फोर, जिसका ग्राफ इस तरह से आएगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस, एक्स इक्वल टू फोर लेंगे तो ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस आएगा। उसके बाद दूसरा आप पॉइंट लें, अब पॉइंट क्या है आपके पास, बी का पॉइंट है जीरो वन, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू वन, और एक्स इक्वल टू फोर एंड नाइन इन दोनों को ज्वाइन कर दें, एक्स इक्वल टू जीरो वन ये बी हो गया और फोर एंड नाइन, फोर एंड नाइन है आपका ए, तो बी और ए को मिलाकर एक लाइन खींच दे, ये लाइन का इक्वेशन हो गया, बी और ए को मिलाकर खींच दिए बी और ए को, तो ये ए बी का इक्वेशन हो गया, ये आपका इक्वेशन था ए सी का। उसी प्रकार से बी कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, बी कोऑर्डिनेट जीरो वन और सी कोऑर्डिनेट फोर फोर थर्टी को मिला के खींच दे, ये बी सी का इक्वेशन, ये बी सी साइड का ग्राफ हो गया। इस तरह से ग्राफ खींच दे और इससे बनने वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी ट्रायंगल का एरिया, एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा रहा है कि ए बी सी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो आपको बताया गया था कि यदि जब साइड का इक्वेशन दिया रहे तो दो साइड को सॉल्व करके एक वर्टेक्स निकालिए, फिर दो साइड को सॉल्व किए एक वर्टेक्स निकालिए, फिर बचे हुए दो साइड को सॉल्व किए और वर्टेक्स निकालिए। वर्टेक्स निकालना आपके लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हम लोग साइड का इक्वेशन निकालेंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ साइड बी सी चाहिए, बी सी साइड का इक्वेशन, तो ये बी सी साइड का इक्वेशन क्या हुआ, दो पॉइंट से पास कर रहा है जीरो वन एंड फोर थर्टीन से, तो फॉर्मूला है वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वन हो गया इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, थर्टीन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, फोर माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन हो गया जीरो। इसको सॉल्व कर दो, थर्टीन माइनस वन हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर हो गया थ्री एक्स, ये आ गया थ्री एक्स, माइनस वन को इधर भेज दे, वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, ये जो इक्वेशन हो गया वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, ये हो गया बी सी का इक्वेशन, इसका इक्वेशन आ गया वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, बी सी साइड का इक्वेशन। उसी प्रकार से बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जीरो वन है और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट फोर नाइन है, तो हम लोग ए बी का इक्वेशन निकालते हैं, ए बी का इक्वेशन होगा वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, नाइन माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस जीरो, नाइन माइनस वन हो गया एट डिवाइडेड बाई फोर, यह आ गया टू, तो टू एक्स माइनस वन को उधर भेज दो, वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, ये ए बी साइड का इक्वेशन हो गया, ये जो ए बी साइड का है इसका इक्वेशन हो गया वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, और ए सी साइड का इक्वेशन ऑलरेडी है एक्स इज इक्वल टू फोर ही,
एसी साइड का इक्वेशन है क्योंकि पैरेलल टू द वाई एक्सिस है। अब ये निकाल ली, अब आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको क्या करना है, डीएक्स सेगमेंट एक्स एक्सिस पर लेना है, तो आपको वाई डीएक्स का ही फॉर्मूला लगेगा। अब आप देखिए, आप पहले क्या करेंगे, बीसी जो इक्वेशन, बीसी साइड जो है, बीसी साइड और एक्स एक्सिस के बीच में ये जो बनने वाला एरिया है, ये पूरा एरिया निकालिए और उसमें से माइनस कर दीजिएगा ए बी साइड और एक्स एक्सिस के बीच में जो बनने वाला ये एरिया है, इसको आउट कर दीजिएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए रफ स्केचिंग पहले खींचना जरूरी है, जैसा ग्राफ आएगा उसी के हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना, उसी के हिसाब से सोचना है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, बी सी कर्व जो कि एक स्ट्रेट लाइन के रूप में है वो, और उसके नीचे एक्स एक्सिस और ये दो बाउंड्री, इस बाउंड्री का नाम है आपका वाई एक्सिस, को हम लोग बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो और इस बाउंड्री का नाम है एक्स इज इक्वल टू फोर। ये दो बाउंड्री के बीच में और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके नीचे का एरिया, ये टोटल एरिया, उसमें से आउट माइनस फिर ए बी साइड और एक्स एक्सिस और ये दो बाउंड्री के बीच का एरिया को आउट कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के लिए फॉर्मूला होगा वाई डी एक्स का ही, वाई डी एक्स लिखेंगे, लेकिन वाई डी एक्स पहला किसके लिए लेंगे, पहला लेंगे ऊपर वाला कर्व, ऊपर वाला कर्व है बी सी के लिए, ये वाई होगा बी सी कर्व के लिए। इसका लिमिट कहां से कहां होगा, लोअर लिमिट होगा एक्स इक्वल टू जीरो, अपर लिमिट होगा एक्स इक्वल टू फोर तक, माइनस उसमें से आउट करेंगे वाई ए बी, इस बार वाई लेंगे ए बी कर्व के लिए, वाई ए बी डी एक्स इंटीग्रेशन होगा एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू फोर तक, बाउंड्री वही रहेगा एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू फोर। अब बीसी साइड का जो इक्वेशन निकाले आप रख दीजिए, बीसी साइड का इक्वेशन है वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन रख दे, उसको इंटीग्रेट करें जीरो टू फोर, माइनस ए बी साइड का इक्वेशन रख दे, ए बी साइड का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, इसको रख दे माइनस टू एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इसको सॉल्व करें, थ्री एक्स का इंटीग्रेशन हो गया थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू, वन डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन टू आउट, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, माइनस वन डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, क्योंकि दोनों जगह लिमिट जीरो टू फोर है तो एक ही बार हम लिख दिया जीरो टू फोर, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू में से टू एक्स स्क्वायर बाय टू चला गया तो सिंपली एक्स स्क्वायर बाय टू बच गया। अब अपर लिमिट फोर पुट कर दे तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बाय टू आ गया एट स्क्वायर यूनिट्स आंसर। इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा एट स्क्वायर यूनिट्स। तो जब तक आप रफ स्केचिंग नहीं करते हैं तब तक आपको पता नहीं रहेगा कि कौन एरिया अंडर द कर्व जो ले रहे हैं, किस कर्व के अंदर का एरिया ले रहे हैं, उसमें हमको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप प्लॉट करेंगे तभी आप एग्जैक्ट आप जान पाएंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, लेकिन फॉर्मूला आपके लिए या तो वाई डी एक्स लगेगा नहीं तो एक्स डी वाई, पहले भी बताया गया वाई डी एक्स सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होता है। अब हम लोग आए इसी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर का मतलब टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर ये कहने का मतलब एक सर्कल जिसका कि सेंटर है जीरो जीरो और रेडियस है टू यूनिट्स, तो टू यूनिट्स का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर ले। और दूसरा इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू का मतलब हो गया वाई इक्वल टू आप लिख सकते टू माइनस एक्स। अब इस लाइन में क्या करेंगे, जब एक्स का वैल्यू आप जीरो लेंगे, एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे तो उसमें वाई का वैल्यू टू आएगा और ये टू यूनिट रेडियस है अर्थात ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया जीरो टू। उसी प्रकार से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा जब एक्स की जगह टू रखेंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा तो जीरो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया टू कोमा जीरो और यहां से यहां तक टू यूनिट का रेडियस है अर्थात इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर गुजरने वाला यह स्ट्रेट लाइन है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बीच में बनने वाला जो छोटा सा रीजन है ये एक छोटा रीजन है और ये वाला रीजन बड़ा रीजन है, तो आपको छोटा वाला रीजन का एरिया पूछ रहा है। इस रीजन का एरिया जानने के लिए क्या करेंगे आप डीएक्स सेगमेंट एक लेंगे और वाई डीएक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले किसके लिए करेंगे, सर्कल के लिए, सर्कल और दो लिमिट, ये लिमिट होगी आपका इसका वाई एक्सिस का इक्वेशन को हम लोग लेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो एक लिमिट और दूसरा लिमिट यहां पर होगा जो टू यूनिट का रेडियस है एक्स इज इक्वल टू टू। ये दो लिमिट के बीच में, ये दो बाउंड्री के बीच में, लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो अपर लिमिट एक्स इक्वल टू टू, दो बाउंड्री, ये कर्व जो है हमारा ऊपर वाला जो कर्व है सर्कल, सर्कल दो बाउंड्री और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, ये ट्रायंगल और ये दोनों एरिया निकल जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे
फिर ये साइड और ये दो बाउंड्री और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, इस ट्रायंगल के एरिया को आउट कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा निकल जाएगा, स्मॉलर रीजन का एरिया निकल जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया बराबर हमको फॉर्मूला लगाना होगा वाई डी एक्स, लेकिन वाई डी एक्स पहले किसके लिए लगाएंगे, सर सी फोर सर्कल के लिए लगाएंगे। और बाउंड्री क्या होगा, एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू टू तक, लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो अपर लिमिट एक्स इक्वल टू टू तक, और इसमें से क्या करना है हमको आउट करना है। अब क्या लेंगे, स्ट्रेट लाइन के नीचे मतलब लाइन के नीचे, तो वाई डी एक्स फिर से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इस बार वाई किसके लिए होगा लाइन के लिए, एल फोर लाइन के लिए, और बाउंड्री आपका सेम रहेगा एक्स इक्वल टू जीरो और अपर लिमिट आपका एक्स इक्वल टू टू ही रहेगा। अब इसको आप यूज करें फॉर्मूला, सर्कल के लिए वाई क्या लिखेंगे, सर्कल के लिए वाई हो जाएगा अंडर रूट टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सर्कल के लिए हो गया वाई का वैल्यू इंटू डी एक्स, माइनस लाइन का वाई कितना हो गया, लाइन का वाई हो गया टू माइनस एक्स, तो टू माइनस एक्स डी एक्स। अब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे ज्यादा स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होने वाला है एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन में, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू का मतलब टू स्क्वायर बाई टू, साइन इनवर्स एक्स बाई ए एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस, यहां माइनस साइन है, टू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टू एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, दोनों का लिमिट सेम है इसलिए एक ही बार सबको एक साथ लिख दिया जीरो टू टू। अब टू वैल्यू रखे तो फोर माइनस फोर ये हो गया जीरो, टोटल वैल्यू जीरो प्लस टू का स्क्वायर फोर डिवाइडेड बाई टू आ गया टू, और साइन इनवर्स टू बाई टू हो गया वन, साइन इनवर्स वन इसका वैल्यू होता है पाई बाई टू, माइनस टू इंटू टू हो गया फोर प्लस टू का स्क्वायर हो गया फोर डिवाइडेड बाई टू आ गया टू, माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट कीजिएगा एक्स से जगह तो ये पूरा वैल्यू जीरो, साइन इनवर्स जीरो का वैल्यू जीरो, ये टोटल वैल्यू जीरो, माइनस टू एक्स में एक्स से जगह जीरो रख दिया तो ये वैल्यू जीरो, प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू में एक्स से जगह जीरो रखे तो ये वैल्यू जीरो, तो लोअर लिमिट का वैल्यू जीरो आ गया, तो टू टाइम्स हो गया, साइन इनवर्स वन का वैल्यू लिख दिया पाई बाई टू, और माइनस फोर प्लस टू हो गया माइनस टू, टू टू यहां कैंसिल, पाई माइनस टू हो गया, पाई माइनस टू स्क्वायर यूनिट, जो कि आंसर नंबर बी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसका आंसर नंबर बी है। तो ये स्मॉलर रीजन जो स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बीच बन रहा है उसका एरिया पाई माइनस टू स्क्वायर यूनिट आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जो पहला क्वेश्चन बनाया गया वो भी बहुत ही अच्छा है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव, ये जैक बोर्ड वगैरह में देखा गया है, सीबीएसई बोर्ड में भी आते हुए इसको देखा गया है। ओके बच्चों, और इसके अलावा और आपके पास कोई डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजेंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।